तो जनाब संडे का दिन था और संडे को वैसे भी बैरिया टाउन में बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि लोग घूमने के लिए आते हैं। तो जब यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन स्टार्ट होना था तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना वो गाड़ियाँ मौजूद थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ़र्स्ट शो में इतना रश होगा, बट एंट्रेंस पर बहुत ज़्यादा रश था। चूँकि पहला दिन है तो डांसिंग फाउंटेन जो कि बहरे टाउन में स्टार्ट हो गया, तो इस वक्त हम बच्चों को लेने आए पिक करने के लिए, जहाँ पे ये सारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे और हम सब फाउंटेन जो डांस है, डांसिंग फाउंटेन है, उसको देखेंगे। तो मैं तो खैर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैंने फाउंटेन, डांसिंग फाउंटेन नहीं देखा था, तो अब मुझे देखना है कि ये कैसा है। और अब आज हम जाके देखेंगे कितना मज़ा आ रहा है। फातिहा, आपने पहले देखा? यस। कैसा लगा था आपको? अच्छा लगा था। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है उसमें? जब वो लोग टर्न होते हैं फाउंटेन, यूं फाउंटेन टर्न होते हैं। तो आरिब, आप गए हैं वहाँ पे फाउंटेन हाउस में? यस। ओ, फाउंटेन हाउस में क्यों बोले जा रही हूँ, डांसिंग फाउंटेन में आप गए पहले? यस। तो आपको कितना मज़ा आया था वहाँ पे? बहुत। अभी चल रहा है? घर रह जाओ आप या गग्गा के साथ चल रहे हैं बता? चल रहा। ओके, सो वी आर ऑल रेडी। और ये जो छोटे भाले हैं ये तो अभी आप लोगों को चलना है घूमी पार्टी जाना है? ओके, तो सब तैयार है जनाब, बस अब हम चाय पियेंगे और शॉर्ट सिटी ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी वहाँ। हो गया, आ जाओ आ जाओ हमारे साथ। आ रहे हो? आ रहे बाप, आ रहे हो फातिहा? So we are all ready to go और हम बस जा रहे हैं, टाइम भी बिल्कुल हो गया। तो आ गए, आ गए, आ जाओ, लेट्स गो, चलो बैठो। जस्ट रीच एट दी डांसिंग फाउंटेन, बहरिया टाउन डांसिंग फाउंटेन, और गाड़ियाँ लगा रहे हैं, गाड़ी की पार्किंग हो जाए उसके बाद वापस आएंगे और फिर हम अंदर जाएंगे। आई एम सो सुपर एक्साइटेड टू सी कि यहाँ पे जो शो है वो कैसा होता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है या नहीं होता है। दुबई में और जो सिंगापुर की कंपनीज़ हैं उन्होंने इनको आके मैन्युफैक्चर किया है यहाँ पर बहरिया टाउन कराची में इनको एस्टैब्लिश किया है। तो अब हम देखेंगे कि उसकी क्वालिटी ऐसी है क्या वाकई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। यहाँ पे तकरीबन 250 के करीब फाउंटेन्स हैं जो कि लगाए गए हैं और 180 फीट इसकी रेंज है जो कि इसकी मैक्सिमम हाइट पर जाती है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि जैसे ही शो स्टार्ट होता है आई एम गोना मेक यू सी के कैसा है। और आई एम वेटिंग राइट नाउ, बच्चे सब आगे चले गए मुझे छोड़ के, तो बिकॉज दे आर हाईली एक्साइटेड, रियली एक्साइटेड मेरी तरह कि अब वहाँ पे जो है ना ये शो कब स्टार्ट होगा हम देखेंगे। सो मैं भी अब आगे जाती हूँ ताकि मुझे शूट करने में भी थोड़ी आसानी। Yeah.
तुम सलामत रहो। अभी डिफरेंट ट्रैवल। आपको मजा आया? शुक्रिया। एंजॉय। और आपको मजा आया मोहम्मद आवियान? यस। राम साहब तो बारिक कहाँ है? आपको मजा आया बारिक शो देखने में? आपको फाउंटेन डांस शो है मलेशिया में भी देखा है और उसके अलावा लाहौर में भी देखा है, और लाहौर में भी बड़ा ज़बरदस्त होता है और मलेशिया में तो खैर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं है, बड़ा मज़ा आया। सबसे अच्छी बात होती है ना वो ये होती है जो मिल्ली नगमे लगे होते हैं और उसके ऊपर जो कोरियोग्राफी हुई है फाउंटेन्स की, वो लास्ट वाला जिसमें वो तलवार वाला वो गाना तो मुझे नहीं, मैं नहीं लगा सकूँगी इसमें, लेकिन जो कोरियोग्राफी हुई हुई है मिल्ली नगमों के ऊपर आउटस्टैंडिंग। तो बाहर आप चाहे दुबई में या दूसरे ममालिक में जितना भी इंजॉय कर लें, जो अपने मुल्क में अपने मिल्ली नगमों पे कौमी तरानों पे इस शो को देखने का मज़ा था वो किसी में नहीं आया। सो आई विल गिव अ चेक टू इट टू 100%। और हमारे यहाँ वैसी एंटरटेनमेंट की बड़ी कमी है, तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो बड़ा मज़ा आता है और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो एटलीस्ट कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। सो गुड जॉब। यहीं से बैठे बैठे खार के यहाँ पे बैठ गए थे, तो अब हमें लग रहा है कि दोबारा से यहाँ से फाउंटेन शो स्टार्ट हो रहा है और हो गया है, तो हम लास्ट शो भी यहाँ से बैठ के देख लेंगे और एंजॉय करेंगे। Yes, I do. दुबई में देखा?
हाँ दुबई में भी देखा है, बस दुबई और इसमें डिफरेंस ये था कि उनका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा फास्ट था और वो म्यूज़िक के अकॉर्डिंगली जो थे ना फाउंटेंस ऊपर नीचे आगे पीछे होते थे। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो लगा लेकिन फिर भी इट वाज गुड। यहाँ पे भी म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ही हो रहे थे, बस वहाँ पे अंग्रेज़ी बीट होगी, अरबिक बीट होगी, यहाँ पे हमारे देसी पाकिस्तानी मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग मिली नगमे लगे हुए थे, तो पैट्रियोटिक सॉन्ग आई एंजॉयड अ लॉट। असल में अपने वाले जो होते हैं ना उनका जो वो है वो अलग ही है। साइड सीइंग बस जा रही है, अब नेक्स्ट व्लॉग भी इस पे बनाना है मुझे, तो हम आपको उस पे भी विजिट कराएंगे इंशाल्लाह ताला।